बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज अगेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स, जिनको हम वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स की फोर्थ सब डिवीजन स्टार्ट करनी है एंड दैट इज टीरोप्सिडा। अब टीरोप्सिडा की बात करें तो इसकी फर्दर थ्री क्लासेज हैं। क्लास नंबर वन इज फिलिसिनी एंड द सेकंड वन इज क्लास जिम्नोस्पर्मी, थर्ड वन इज क्लास एंजियोस्पर्मी। तो आज की लेक्चर वीडियो में हम टीरोप्सिडा की फर्स्ट क्लास को डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड दैट इज क्लास फिलिसिनी, जिसको हम फर्न्स भी बोलते हैं। और आज ही के लेक्चर में हम इस फर्न्स की फर्स्ट एग्जाम्पल एडियंटम, जो आपकी बुक में मैंशन है, उसकी डिटेल फर्दर डिस्कस करेंगे। और इससे आने वाले लेक्चर वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर जो है वो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी रिमेनिंग जो दो क्लासेस बच जाएंगी उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्केच माइंड में डेवलप हो गया होगा कि हमने इस टॉपिक को और आने वाले टॉपिक को किस तरह कवर करना है। अच्छा जी, आज की जो है वो स्लाइड्स को रीड आउट करते हैं और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीरोप्सिडा की बात करें तो अगेन ये फोर्थ सब डिवीजन है ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो इसकी फर्दर थ्री क्लासेज। आज हमने क्लास फिलिसिनी डिस्कस करनी है, तो फॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इनकी जो दो क्लासेज, मैं एक एक लफ्ज़ का आपको इन तीनों का जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ, फिर हम फर्दर डिटेल्स तो देखते जाएंगे जैसे वन 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 हम इनको पढ़ेंगे। अच्छा, जिम्नोस्पर्मी में जो लफ्ज़ स्पर्मी है इसमें और एंजियोस्पर्मी जो लफ्ज़ स्पर्मी है, इनका मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग। तो मतलब कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, और एंजियोस्पर्मी भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स माने जाते हैं। उसके बरक्स अगर हम क्लास फिलिसिनी की बात करें तो ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये एक डिफरेंस था जो इन तीनों में सीड रिलेटेड देखा जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और वहाँ से हम आज की पहली क्लास डिस्कस करते हैं टीरोप्सिडा की, एंड दैट इज़ क्लास फिलिसिनी। क्लास फिलिसिनी को हम फर्न्स बोलते हैं आसान जुबान में। फर्न्स कैसी होती है मैंने आपके साथ डायग्राम शो कर दी ताकि आपके माइंड में इंटरेस्टिंग से एक तस्वीर भी हो जाए उसके साथ। जैसे हम इनकी फर्न्स की डिटेल पढ़ेंगे आपके माइंड में जब स्केच बन जाएंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना आसान हो जाएंगे। अब इन फर्न्स को हमने आज डिस्कस करना है। अब इनके लोकेशन की बात करें ना, या हैबिटेट की बात करें, या कहाँ ये पाए जाते हैं, तो इनमें इस रिलेटेड कुछ बातें हैं। नंबर वन, ये हम बात करें ना तो ये जो फर्न्स है ना ये मोस्टली शेडी प्लेसेस को प्रेफर करती हैं और मॉइस्चर वाली जगह को प्रेफर करती हैं। लविंग प्लांट्स है, मतलब कि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट और शेडी प्लेसेस को पसंद करें। मतलब अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मॉइस्चर में रहना पसंद करते हैं। ये मैं पसंद पसंद वाला लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कि ये एबल होते हैं वो रह सके, किस में रह सके, ड्राई कंडीशन में। अब ना मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, वो ये कि अब जैसे कोई हॉस्टल रहता है, ठीक है, तो आप घर से उठ के जब आप हॉस्टल रहते हैं तो आप रह तो लेते हैं लेकिन उसको आप परमानेंट पसंद नहीं करते कि आप हमेशा के लिए हॉस्टल रहें। नहीं, घर जैसे कहते हैं घर घर ही होता है। यही वजह है कि अगर हम फर्न्स की बात करें तो वो प्रेफर तो मॉइस्चर वाली जगह और शेडी प्लेसेस को करते हैं, लेकिन अगर इनको रहना पड़े ड्राई कंडीशन में तो ये रह सकते हैं लेकिन पसंद नहीं करते। समझ आएगी होगी आई होप आपको। नेक्स्ट अगर इनकी हम ग्रोथ की बात करें कि ये कहाँ ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि हिल्स पे ग्रो करते हैं। हिल्स कहते हैं पहाड़, तो ये पहाड़ियों पे ही ना प्लेन, एक प्लेन्स में ना ये ग्रो करते हैं। तो फर्न्स जो है वो पहाड़ों पर भी देखे जाते हैं। उसके बाद जो फर्न्स है ना उनमें से कुछ जो है वो एपीफाइट्स हैं। अब एपी का वर्ड मैं हर लफ्ज़ आपने नोट किया होगा, एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कोई आपके माइंड में ना मिसकंसेप्शन ना रह जाए, कोई आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो जाए। एपी का मतलब होता है अपर और फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। मतलब के कुछ फर्न जो हैं वो एपीफाइट्स होते हैं, दैट मीन्स कुछ फर्न्स ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। मतलब ये ऐसे होते हैं कि प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स। तो कुछ फर्न्स जो है ना वो बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे अपनी वो जो है वो अपेयरेंस शो कर लेते हैं। तो कुछ फर्न्स जो है वो एपीफाइट्स होते हैं, दैट मीन्स कि वो ग्रो करते हैं। अब ग्रो हमने कह दिया कि प्लांट्स के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं, अब उसमें भी प्लांट की किस स्पेसिफिक जगह पे, तो वो डिटेल देखने कि बार्क ऑफ द ट्रीज, जो बड़े बड़े दरख्तों की बार्क होती है ना छाल, जिसको ब्राउन कलर की बाहर वाली छाल बोलते हैं, सख्त जो उनका सख्त स्टेम होता है ना, तो उस तने उस बार्क के ऊपर ये छोटे से एपीफाइट्स के फॉर्म में ना ये अपेरेंस शो कर लेते। तो हम कहते हैं कि दरख्त होता है एक प्रॉपर, उसका जो बार्क होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे फर्न्स लगे होते, तो हम कहते हैं कि कुछ फर्न्स जो है वो एपीफाइट्स के तौर पर भी ग्रोथ शो। ये एक स्लाइड समझ आ गई, आगे देखते हैं। कहते हैं कि अब अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो कहते हैं कि ये बहुत हद तक ये जो है वो स्प्रेड करते हैं, मतलब फर्न्स हमें काफ़ी हद तक नजर आते हैं, काफ़ी सारी अमाउंट में ये नजर आते हैं प्लांट्स, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट है। लेकिन अब अगर हम वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें किस जगह ये ज़्यादा अबंडेंट है, स्पेशली का मतलब कि स्पेशली खास तौर पर अबंडेंट का मतलब ज़्यादा है, किस जगह ज़्यादा, ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादा अबंडेंट। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है कि गर्म रतूब इलाके जो है ना, तो ये वहाँ रहना प्रेफर करते हैं, तो गर्म रतूब इलाके में इनकी अबंडेंस ज़्यादा देखी गई। उसके बाद इनके साइज़ की बात करते हैं, इनके साइज़ की बात करते हैं। साइज जो है ना इनका वेरी करता है, फर्न्स का साइज वेरी करता है। कुछ फर्न्स बहुत छोटी होती हैं, कुछ उससे बड़ी होती हैं, कुछ उससे बड़ी होती हैं। अब ये बिल्कुल दरख्त की तरह के तो नहीं होते, हार्ड स्टेम इनका नहीं होता, लेकिन इनके अपेयरेंस में अगर हम इनके साइज की बात करें तो वो ग्रेजुअली आप कह सकते हैं इंक्रीज करता है और ग्रेटली वेरी भी करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ना अब हम इनके लीव्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप नीचे आ जाए डायग्राम में, पहले आपके साथ डायग्राम शो करूँ फिर कॉन्सेप्ट को रीड भी करवा देती हूँ। देखिए ऐसा है कि हम ये फर्न्स का एक ब्रॉड मेच्योर लीफ डिस्कस करते हैं जिनको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मेच्योर फ्रॉन्ट है,
ठीक है, उसके साथ मैंने आपके साथ जो डायग्राम शो की थी, बेसिकली है ये फ्रॉन्ड ही है, ये लीव्स ही, लेकिन ये इमेच्योर और यंग लीव है। अब मैं आसान जुबान में आपको बताती हूँ, देखें ऐसा है कि जो राइजोम लगा हुआ है, ये राइजोम है। अब ये राइजोम बेसिकली रूट्स इनमें से ओरिजिनेट होती हैं रूट्स, लेकिन ये रूट्स होती नहीं है। ये जो राइजोम है ये बेसिकली स्टेम है, यहाँ लेबल भी किया हुआ है कि जो राइजोम है ये स्टेम है, और इस स्टेम में से लीव्स ने ओरिजिनेट करना है। और जो मेच्योर लीव है, जो बड़ा साइज का लीव है, उनको हम फ्रॉन्ड बोलेंगे, और जो अब इस राइजोम में छोटा सा भी मेच्योर सा भी छोटा सा भी प्यारा सा, जब ये फर्न्स की छोटा सा प्यारा सा आप कह सकते हैं लीव निकलता है, तो इस तरह की अपेयरेंस लेता है कि वो कॉइल्ड होता है, ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, तो बाद में ये जो है वो अंगड़ाई लेता है, और ये जो लीव है ना वो खोलता है और इस तरह की शक्ल ले लेता है। शक्लें समझ आ गई, डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम फिलिसिनी के हर मेंबर की बात करें ना, तो उनका हर मेंबर का जो लीव्स होते हैं ना, एक तो वो जो लीव्स होते हैं ना, उन्होंने स्पोरेंजिया को कैरी किया होता है, या उनके साथ स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। तो ऐसे लीव्स जिन्होंने स्पोरेंजिया को कैरी किया होता है या उनके साथ स्पोरेंजिया अटैच होते हैं, उनको हम फोलियर लीव जो है वो स्पोरेंजिया बोलते हैं। फोलियर का मतलब आपने माइंड में रखना है लीव्स, मतलब ये ऐसी लीव्स हैं जिनके साथ स्पोरेंजिया अटैच हुआ होता है, ठीक है। और ये अगर हम फिलिसिनी के तमाम में, मतलब इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके तमाम के तमाम लीव्स जो है उनके साथ स्पोरेंजिया अटैच होता है। मैं फर्दर आपको जब एंडी एंटम पढ़ाऊंगी मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी कैसे उनके जो लीव्स के साथ ही उनका स्पोरेंजिया अटैच होता है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि फिलिसिनी क्लास के तमाम मेंबर्स के जो लीव है उनको हम फोलियर स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लीव्स होते हैं जिनके साथ स्पोरेंजिया अटैच। अब फ्रॉन्ड्स वाले मैं बताती हूँ, फ्रॉन्ड्स जो है वो आगे देख लो, कहते हैं कि ये जो फ्रॉन्ड्स है ना ये लार्ज साइज लीव्स होते हैं फर्न्स के। तो फर्न्स के जो मेच्योर और बड़े और बालक जो लीव्स होते हैं, जो बड़े बड़े साइज में होते हैं, उनको हम फ्रॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये पूरा एक फ्रॉन्ड, आपने कंफ्यूज नहीं, आप ये ना समझेंगे ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, ये भी एक पत्ता, नहीं, ये पूरे का पूरा एक ही लीव है, एक ही फ्रॉन्ड है, क्लियर है। अब आप कहेंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें काफी सारे पत्ते हैं, मैम झूठ बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि एक ये पूरा ये जो आपको नजर आ रहा है इन्होंने लेबल भी किया, ये जो स्ट्रक्चर में टिक कर रही हूँ ना, ये पूरा का पूरा उन्होंने कहा ये पूरे का पूरा ब्लेड है, लेमिना है, ये पूरा पत्ता है। हाँ आप कह सकते हैं ये लीफ है, और ये जो छोटे छोटे आपको ऐसा लग रहा है कि और लीव है, ये लीव्स नहीं है, ये लीफ लेट्स होते हैं। क्या होते हैं? लीफ लेट्स। अब इनको भी फर्दर नाम है, वो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो एडियंटम की एग्जाम्पल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ फोन की कुछ आप कह सकते हैं जनरल सी एक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि जी मेच्योर लार्ज साइज लीव को हमने फ्रॉन्ट बोला, उसके बाद वो फ्रॉन्ट जो इमेच्योर है, जब अभी अभी बिल्कुल राइजोम से बिल्कुल ओरिजिनेट करें, इमेच्योर ने मुनश वो इमेच्योर होते हैं और यंग होते हैं, और उनकी अपेयरेंस की बात करें तो वो कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मैंने आपको बता दी इस तरह की कॉइलिंग की फॉर्म है ना, कॉइल्ड है जिसको, चलो फनी वे में गुचमुच जिसको कहते हैं, गुचमुच में, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सक्सीनेट वर्नेशन वाली जो है वो डेवलपमेंट शो करते हैं। सक्सीनेट का मतलब कॉइल्ड, सक्सीनेट का मतलब कॉइल्ड। ये लो जी मैं बता भी देती हूँ ऐसे, जहाँ जहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ मूव करने की माउस, तो इस तरह की जो है वो कॉइल्ड फॉर्म वाली जो है वो इस तरह कुछ मुछ वाली कॉइल्ड बोलते हैं। वर्नेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वर्नेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो मतलब कि यंग लीव्स जो है वो इस तरह की सक्सीनेट वर्नेशन शो करते हैं, मतलब कॉइल्ड फॉर्म में इनकी लीव्स की अरेंजमेंट होती है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, दैट इज इनकी जो एग्जाम्पल है बेसिकली हम क्लास फिलिसिनी की एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ड्रायोपटेरिस। क्या है ड्रायोपटेरिस? अदर वन इज एडियंटम। क्या है? एडियंटम। एंड नेक्स्ट वन इज टेरिडियम, टेरिडियम और टेरिस, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनमें से हमने सिर्फ एक डिस्कस करना है। तो ड्रायोपटेरिस, एडियंटम, टेरिडियम और टेरिस। तो ये एग्जाम्पल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि जी फर्न्स की एग्जाम्पल्स लिखें या इनमें से फर्न्स की कौन सी एग्जाम्पल, तो आप समझदार हैं, आप जो है ना वो बस ये समझ लें कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ना वो एडियंटम की हम डिटेल डिस्कस करते हैं। एडियंटम को हम मेडन हेयर फर्न भी बोलते हैं। अब इनको मेडन हेयर फर्न्स क्यों बोलते हैं, और एडियंटम जो है वो बेसिकली है फर्न्स ही, तो आपने समझना है कि हम बेसिकली फर्न्स की एक एग्जाम्पल को लेके थोड़ा फर्दर डिटेल में कुछ आगे ही चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एडियंटम की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो है ना ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। किनका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है? फर्न्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। इनकी जो आप एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स को ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो बेसिकली हम फर्न का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करें, ठीक है। अब यहाँ समझें कि हम एडियंटम को मेडन हेयर फर्न की बोलते हैं। बेसिकली अगर हम इनकी बात करें ना, तो इनमें से जब मेडन का मतलब होता है न्यू, मेडन का मतलब होता है न्यू, और हेयर का मतलब बाल, और फर्न आपको पता है कि छोटी से जो है वो निकली। फर्न्स को तो आपको पता है मतलब कि ये ऐसी फर्न्स होती हैं जो बालों की तरह के अपेयरेंस रखती हैं। अब आप कहेंगे पता नहीं ये ऐसा दरख्त है जिसमें से बाल उगरे होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एडियंटम का जो पौधा आप देखते हैं ना, जब वो बिल्कुल ही नया सा भी आप कह सकते हो बन रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो इनिशियल स्टेज में हमें ऐसा लग रहा है जब उनकी न्यू स्टेम निकल रही होती है ना, ओरिजिनेट कर रही होती है, तो वो ऐसे लगती बारीक मुलायम सी हेयर लाइक होती है, बहुत ही बारीक। और जब न्यू अपेयरेंस में, तो मेडन का मतलब न्यू हेयर लाइक, जब फर्न्स ऐसी होती है जब ये न्यू ग्रो कर रही होती है तो हमें हेयर लाइक अपेयरेंस देती है, जिसकी वजह से हमने एडियंटम का ये नेम भी रख दिया। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं।
हैबिटेट की बात करें तो अगर हम एडियंटम की बात करें तो ये भी मॉइस्चर वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। अब मॉइस्चर में भी वो कहते हैं कि ये जो मॉइस्ट ऑयल, जो गीली दीवारें होती है ना, वो दीवारें कोई भी हो सकती हैं, कहीं भी जहाँ पानी गिर रहा है, जो दीवार पे नमी है उधर जो है वो एडियंटम ग्रो करने के चांसेस हैं, या उनका वो हैबिटेट होता है। उसके बाद वाटर कोर्सेज, वाटर कोर्सेज का मतलब होता है वो जगह जहाँ से, कोर्सेज कहते हैं रास्ता, वो जगह जहाँ से पानी ने गुजरना होता है, वो नालियाँ हो सकती हैं, पानी की नालियाँ, ये जहाँ से भी पानी ने अपना रास्ता बनाया होता है ना, वो कहाँ उस जगह काफ़ी नमी होती है, तो वहाँ भी ये जो एडियंटम ग्रो करता है। उसके बाद ड्रेन, गड्ढे वगैरह, ठीक है, जहाँ पानी वगैरह जमा हो काफ़ी देर तक, तो वहाँ ये एडियंटम, तो हैबिटेट समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, इंशाल्लाह इनके हम अल्टरनेशन जनरेशन की बात भी करेंगे, इनकी डिफरेंट जनरेशन भी बात करेंगे। अभी हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं। प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। बार बार कह रही हूँ, जो हम ट्रेक्योफाइट्स हमने डिस्कस किया, तो ट्रेक्योफाइट्स में हमने कहा था कि इन स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। पीछे तो हमने डिस्कस किया था क्लास, आप कह सकते हैं कि प्लांट्स की जो फर्स्ट ग्रुप था, मेजर ग्रुप, उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स थे ना, उनमें हमने कहा था कि जो गिमेटोफाइट थी वो डोमिनेंट थी, तो इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। क्यों स्पोरोफाइट डोमिनेंट है? डोमिनेंट है क्योंकि इनकी स्पोरोफाइट हमें नजर आती है, नुमाया है, ठीक है। अच्छा जी, स्पोरोफाइट की बात करें तो हमने कहा ये पूरे का पूरा प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। अब हमने बेसिकली एडियंटम के प्लांट को ही डिस्कस करना है, दैट मीन्स हमने हमने स्पोरोफाइट को डिस्कस करना है, प्लांट का स्पोरोफाइट या पूरे का पूरा एडियंटम डिस्कस करें, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट है। उसके बाद हम कहते हैं कि इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें हमें स्टेम भी नजर आता है, इनके स्ट्रक्चर में प्रॉपर रूट्स भी होती हैं और लीव्स भी होती हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इनमें आपको स्टेम भी नजर आ रहे हैं, लीव्स भी हैं और जो है वो रूट्स भी हैं। उसके बाद अब हमने ना फर्दर डिटेल डिस्कस करनी, सबसे पहले हम स्टेम डिस्कस करेंगे, फिर रूट, और फिर इनका लीव जो पीछे मैंने दिखाया था ना क्राउन, उसको हमने डिटेल से स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। अच्छा जी, स्टेम की बात करें, स्टेम कहते हैं शॉर्ट होता है, इनका स्टेम बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इनके पूरे का पूरा प्लांट साइज ही छोटा होता है, अनब्रांच्ड होता है, इनके स्टेम कोई ब्रांच नहीं होती, सिंगल अनब्रांच्ड होता है। हालांकि पीछे हमने काफ़ी सारे ब्रांच में भी हमने डिटेल डिस्कस की, डाइकोमेट्री ब्रांच होती है, लेकिन ये ऐसी नहीं होती, ये सिंपल अनब्रांच्ड स्टेम होता है। हॉरिजॉन्टली ग्रोथ शो करता है, हॉरिजॉन्टली कैसे ग्रोथ करता है, ठीक है, कि दैट मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टली ना ये जमीन के साथ साथ ये ग्रो करता है, जमीन के साथ साथ ग्रो करता है, और इसको हम राइजोम बोलते हैं। आप कहेंगे कि स्टेम तो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ये जमीन के साथ साथ कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है बिल्कुल लेटे हुई पोजीशन में, तो जमीन के साथ साथ कैसे, मैं हूं ना बताने के लिए, समझें आप, ये राइजोम है। क्या है? राइजोम है। अच्छा बेसिकली ना इनमें से ना आप कह सकते हैं कि प्रॉपर रूट्स नहीं ओरिजिनेट होती इनमें, हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अब क्या फ़र्क होता है नॉर्मल रूट में और एडवेंटिशियस में, उसमें भी हम डिफरेंस देख लें। सबसे पहले अभी फिलहाल हम स्टेम डिस्कस करें, तो वो राइजोम ये होता है कि ये बेसिकली होती ये स्टेम ही है, लेकिन ये अंडरग्राउंड चले जाती है और इस स्टेम में से ही रूट्स ओरिजिनेट करेंगी। जैसे हमने पिछले जब क्लासेस डिस्कस की थी, तो हमने कहा था राइजोम में से राइजोइड्स निकले थे, जो रूट लाइक थे, उन्होंने एंकरिंग की और फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन की। हम राइजोम डिस्कस करें तो राइजोम बेसिकली ये स्टेम ही है जो अंडरग्राउंड जाएगा, यहाँ से रूट्स निकलेंगे और ऊपर से भी एक रूट जो है वो स्टेम निकलेगी और फिर वहाँ से लीव निकलेगा, तो हम राइजोम डिस्कस करें। इस तरह का हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और इस तरह की स्टेम जो इनके स्ट्रक्चर में एडियंटम के स्ट्रक्चर में होती है, उस स्टेम को हम राइजोम बोलते हैं। अब जरा ना राइजोम का स्ट्रक्चर समझें, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये राइजोम है, ये क्या है? ये वो स्टेम है जो अंडरग्राउंड गई, ये जो मिट्टी के अंदर गई बैठी, देखी थी, है तो ये स्टेम ही, ठीक है, ये अंडरग्राउंड गई और यहाँ से हमने कहा जी वो रूट्स निकली, एडवेंटिशियस रूट्स हैं जिन्होंने एब्जॉर्प्शन की, जिन्होंने हम एंकरिंग में हेल्प की, तो बेसिकली ये। अच्छा जी, आप ना आप इस स्ट्रक्चर की बात करें, आई होप बहुत ही, मुझे पता है कि बहुत ही फनी जो है वो डायग्राम लग रही होगी, काफ़ी सारों को हंसी भी आई होगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट की तरह देखें, वो ये है कि अगर हम बात करें ना, तो कहते हैं कि ये जो राइजोम है ना, इसके ऊपर अब दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर इसके राइजोम में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ब्राउनिश स्केल होता है, ब्राउनिश। अब यहाँ का मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ये जो मैं आपको डार्क स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो डार्क स्ट्रक्चर आपको इतना नजर आ रहा है ना, बेसिकली इधर भी होगा और ये जो है डार्क स्केल ब्राउनिश जो है वो इधर भी होंगे। सपोज करें कि राइजोम के ऊपर यहाँ भी डार्क जो है वो स्ट्रक्चर लिया हुआ है, किसने? डार्क डार्क स्केल, जिनको हम ब्राउनिश स्केल बोलते हैं, और इधर भी जो है वो इस तरह के ब्राउनिश स्केल है जो कि राइजोम के ऊपर लगे हुए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इस ब्राउनिश स्केल्स को हम रेमिंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेमिंटा। तो ये जो मैंने बड़ी कोई खूबसूरत डायग्राम बनाई है माउस से, वो रेमिंटा है। वो क्या है? मेरी डायग्राम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पेज पे ठीक है, माउस की शक्ल में इस तरह ही होती है, तो आप बहुत ही कोई फनी, चलो हंस लो, काफ़ी सारे बच्चों को तो हंसी आ रही होगी, चले हंस लें, थोड़ा फन फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली समझने की बात है, सीरियसली समझे, बेसिकली मैंने राइजोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हमने कहा राइजोम बेसिकली स्टेम है जो अंडरग्राउंड रहती है, वहाँ से रूट्स निकलती है जो कि अपने रूट वाला काम परफॉर्म करती है। अब जो राइजोम थे उसको स्ट्रक्चर में हमने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, ये मैं इसलिए कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि जो रेमिंटा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। तो राइजोम के ऊपर ब्राउनिश स्केल्स लगे होते हैं, तो उस ब्राउनिश स्ट्रक्चर को हम रेमिंटा बोलते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि जो मैंने सेंटर में ये जो खाली जगह छोड़ दी, चलो थोड़ी बहुत जो गंद रह गया वो भी मार ही दूँ, क्यों ये जगह खाली है,
तो ये जो आपको मैंने सर्कल नुमाया शो किया हुआ है वो ये कि ये जो ना इसको हम लीफ बेसिस बोलते हैं। तो बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से यंग फ्रॉन्ड्स ने निकलना है जो कि इस तरह की कॉइलिंग की शक्ल में ग्रो करता है। वाह वाह, कॉइलिंग तो बड़ी कमाल की बन गई। ठीक हो गया, तो मैं 1 मिनट का आपके साथ दोबारा राइजोम, आई होप बहुत लंबी वीडियो होगी लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। राइजोम है, राइजोम से एडवेंटिशियस रूट्स निकली, उसके बाद उसके राइजोम के ऊपर मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्राउनिश स्केल जिसको हम रेमिंटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो परसिस्टेंट का मतलब हमेशा रहने वाले लीफ बेसिस हैं जिसमें से कॉइल्ड फॉर्म में इमेच्योर और यंग लीफ, और फिर बाद में उन्होंने साइज में इंक्रीज करना। तो ये बेसिकली हमने राइजोम का भी डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट हमने रूट्स को डिस्कस करना है। अब अगर हम इनके रूट्स की बात करें ना एडियंटम की, तो ये फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स है। अब डिफरेंस समझ लें एडवेंटिशियस रूट्स के, बेसिकली अगर हम सीड की बात करें ना, तो सीड में भी ना दो जगह होती है। सीड में ये सीड है ना, सीड पे दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, एक पॉइंट होता है यहाँ ऊपर की तरफ, और एक जो है वो सीड के नीचे जगह पॉइंट होता है, एक सीड के नीचे पॉइंट होता है। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको हम रेडिकल बोलते हैं, जिसमें से ओरिजिनेट करनी होती है हमारी मेन रूट ने। और ये जो ऊपर वाला आपको मैंने पॉइंट ड्रॉ किया वो प्लोम्यूल है। तो ये सीड है, सीड के दो पॉइंट होते हैं, सीड के ऊपर वाले पॉइंट को हम प्लोम्यूल बोलते हैं, जिसमें से हमारी रूट ने निकलना होता है या स्टेम ने निकलना होता है, और जो नीचे वाला रेडिकल पॉइंट है वहां से रूट्स ने निकलना होता है। ये तो मैं आपको नॉर्मल रूट की बात बता रही हूँ जो सिंपल रूट है। लेकिन अगर हम एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें, तो वो एडवेंटिशियस रूट आप कहते हैं कि किसी भी प्लांट के पार्ट में से ग्रो करती है, अदर देन आप कह सकते हैं कि अदर देन रेडिकल, तो इस रेडिकल के पॉइंट के अलावा कहीं से भी वो ग्रो कर ले अगर, तो उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। अब वो जो है वो स्टेम के ऊपर से भी ग्रो कर सकती हैं, वो लीव्स में से भी रूट्स निकल सकती हैं, वो फ्लावर में से भी फाइब्रस टाइप रूट्स निकल सकती हैं। तो उस किस्म रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ, ऐसी रूट्स जो के प्रॉपर नॉर्मल ओरिजिनल रूट्स जो कि रेडिकल से निकलती है उसमें से ओरिजिनेट नहीं करती, बल्कि किसी और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो है ग्रो करती है, जो कि स्टेम हो सकता है, लीव हो सकता है, मैं आपके साथ शेयर कर दिया, और फ्लावर भी इवन हो सकता है। फाइबर बड़े धागे नुमा बड़े आपके से अपेयरेंस में बड़े सॉफ्ट होते हैं। ये जो है वो लोअर साइड ऑफ राइजोम से ग्रो करती है। राइजोम मैंने आपको बता दी अंडरग्राउंड स्टेम, और वहाँ से लोअर साइड पे ये ग्रो करती है। चलें जी, ये जो है राइजोम, ठीक है। तो ये राइजोम है, ये जो अंडरग्राउंड हमने कहा स्टेम है, ठीक है। यहाँ से रूट्स निकलनी है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये स्टेम में से रूट्स निकल रही है, तो राइजोम बेसिकली स्टेम ही है ना, तो ये स्टेम में से रूट्स निकल रही है, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी रूट्स है? एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये बेसिकली सीड वाले प्लांट्स ही नहीं है, ये सीडलेट्स प्लांट्स हैं। तो हम सीड्स का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, जैसे नॉर्मल प्लांट्स में सीड में से रूट निकलती, तो यहाँ नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते, ये सीडलेस प्लांट्स हैं फर्न्स। ये वजह है कि ये जो है ना, इनमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स हैं हमने कहा राइजोम में से निकलती है। अब हमने ना जरा लीफ वाले स्ट्रक्चर में ये जो डिटेल्स, ये बेसिकली है पूरा फ्रॉन्ड ही, उसमें जो काफ़ी सारे हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो राइजोम समझ आ गई, रूट समझ आ गई। तो कहते हैं कि रूट्स ग्रोइंग अदर देन रेडिकल, वो रूट्स जो अदर देन रेडिकल होती है उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, मैंने बता दिया। अब हमने कम लीव्स की तरफ आना है। अब लीव्स में ना दो किस्म के होते हैं, सिंपल लीव और कंपाउंड लीव। सिंपल लीव और कंपाउंड लीव, सिंपल लीव कहते हैं सिंपल, आपने जैसे आम लोकल देखा होगा इधर उधर पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, एक ही पत्ता जिसको कहते हैं, उसमें ऐसे आप कन्फ्यूज नहीं होते कि जैसे लग रहा होगा काफ़ी सारे पत्ते, नहीं। लेकिन जो कंपाउंड लीव्स होते हैं वो ऐसे आप कह सकते हैं लीव्स होते हैं जिसमें हमें लग रहा होता है कि काफ़ी सारे लीव्स हैं, मतलब जिसमें लीफलेट्स होते हैं, ऐसे लीव्स को हम कंपाउंड लीव, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा प्रॉपर लीव जिसमें लीफलेट्स भी मौजूद हो, उस लीव्स को हम कंपाउंड लीव बोलते हैं। तो सिंपल लीव वो जिसमें लीफलेट मौजूद ना हो, सिंपल एक लीफ हो, ठीक है। चलो जी, लार्ज होते हैं इनके कंपाउंड लीव्स होते हैं फ्रॉन्ड्स के, ठीक है। अब इनमें कुछ जो है वो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा जी, इनमें पीछे भी मैंने लीव का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, वो ये हमने कहा कि लार्ज कंपाउंड लीव्स होते हैं, अपर साइड में जो है वो ये ओरिजिनेट करते हैं फ्राउंड, राइजोम हमने कहा स्टेम है, उसमें से यंग लीव्स भी निकलते हैं, और वो जो यंग लीव्स हैं वो सक्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं क्योंकि वो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फेडरल हेड होते हैं, मतलब वहाँ से फिर वो प्रॉपर ग्रोथ शो करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए कुछ स्ट्रक्चर, वो अगेन लीव के अंदर ही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नंबर वन इज स्टाइप। स्टाइप क्या होता है? इसको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से कोई आप कह सकते लीफलेट ना लगा हो, कोई लीफलेट ग्रो ना हो, या कोई ऐसी ब्रांच, आसान जुबान में ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कोई लीव्स ना लगे हो। द ब्रांच विदाउट लीव्स या द ब्रांच विदाउट लीव्स और लीवलेट्स, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल ब्रांच है ना, उसको हम स्टॉक बोलते हैं या फिर स्टाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज रैचिस। क्या है रैचिस? रैचिस क्या होते हैं? रैचिस होते हैं बेयरिंग स्मॉल लीव्स। अब यहाँ आ जाए, ये जो पॉइंट आपको उन्होंने ड्रॉ किया ना, ये रैचिस है। दैट मीन्स कि ये जो डंडी आपको हल्की सी यहाँ नजर आ रही है ना, ये जो हल्की सी ब्रांच, तो इस तरह की जो जो ये ब्रांच है इसको हम रैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैटिस, ठीक है। ये जो आपको ब्रांच नजर आ रही है इसको रैटिस बोलते हैं। अब रैटिस क्या होती है? बेसिकली ये भी ब्रांच होती है, ब्रांच हैविंग आप कह सकते हैं लीफलेट्स, ब्रांच बेयरिंग लीफलेट इज नॉन एज रैचिस, और ब्रांच विदाउट लीव या लीवलेट तो वो स्टॉक।
ब्रांच में भी समझ आ गई। बेसिकली हम लीफ के स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पिन्ना और बाइपिनेट वाला क्या होता है और पाइन्यूल्स क्या डिफरेंट। तो ये सारे स्ट्रक्चर देख, ईच पिन्ना ये पिन्ना होता है, ये आप कह सकते हैं एक सिंगल लीफलेट, एक सिंगल लीफलेट को हम पिन्ना बोलते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा, ये बेसिकली पूरा लीफ है और उसमें से एक लीफलेट को हम पिन्ना बोल रहे हैं। तो कहते हैं जो पाइना है या पिन्ना भी कोई इनको बोलते थे, तो जो पाइना है ये फर्दर दो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो पाइना का भी आगे दो फर्दर पार्ट है जो हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे, दैट इज वो है पाइन्यूल, ठीक है, और उनको हम पाइन्यूल बोलते हैं। और जो कंपाउंड की बात करें, मतलब ऐसा कंपाउंड लीफ जिसमें दो स्ट्रक्चर आ जाएं, जिसमें पाइन्यूल्स आ जाएं, ठीक है, जिसमें दो स्ट्रक्चर आ जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बाई पाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई पाइनेट। अब यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एडियंटम को डिटेल से डिस्कस किया, एडियंटम के हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। इस नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम डिस्कस करेंगे। यही था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। फर्दर अगर आप चाहें तो आई होप आप चाह ही रहे होंगे, मैं ना 1 मिनट का आपकी आसानी के लिए ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। चलें जी, हम डिस्कस कर रहे थे आज फोर्थ सब डिवीजन, जिसको हमने सॉरी टीरोप्सिडा भी बोला। टीरोप्सिडा की 3 क्लासेस थी, हमने फर्स्ट स्टार्ट की, दैट इज क्लास फिलिसिनी। फर्न्स भी बोलते हैं, फर्न्स की हमने हमने लोकेशन देख ली, हमने कहा कि ये हैबिटेट वो मॉइस्चर वाली जगह पे पसंद करते हैं, ड्राई में भी रह लेते हैं, हिल्स में भी देखेंगे, एपीफाइट्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ फर्न्स जो है वो आप कह सकते हैं ट्रीज के ऊपर भी ग्रोथ शो करते हैं। फर्न्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा कि जो ट्रॉपिक्स में होती है साइज में भी वेरी करती हैं। फर्न्स हमने कहा इनके जो लीव्स होते हैं उनको हम फोलियर स्पोरेंजिया बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं उनके हर मेंबर के जो हर लीव है उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है। स्पोरेंजिया हम इस लाइफ साइकिल में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे वो स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। जब हम इनकी स्पोरो जो है वो स्पोरो वो भी है गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन तब। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने लीफ की बात की, हमने कहा जी पूरा जो लार्ज मेच्योर लीफ होता है उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं, इमेच्योर लीफ की हमने जो है वो डेवलपमेंट देखी तो वो सक्सिनेट फॉर्मेशन शो करती है। एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी, एडियंटम की डिटेल से डिस्कस किया, हैबिटेट देखा, मॉइस्ट वॉल जहाँ पानी होता है, पानी ने जगह बनाई हो, रिचेज वगैरह में, प्लांट बॉडी हमने कहा स्पोरोफाइट है, उसमें रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। हमने जो है वो स्टेम की बात की, हमने कहा जिनके स्टेम शॉर्ट होते हैं, अनब्रांच होते हैं, हॉरिजॉन्टल जमीन के साथ साथ लगे होते हैं, उनको राइजोम बोलते हैं। और उस राइजोम को हमने ऊपर कहा कि जी दो चीज़ों ने एक आप कह सकते हैं घेरा होता है या प्रोटेक्ट किया होता है, एक ऊपर जो है वो ब्राउनिश स्केल लगे होते हैं, ठीक है, उस ब्राउनिश स्केल को हम रेमिंटा बोलते हैं जो कि राइजोम के ऊपर लगा होता है। दूसरी इन दोनों रेमिंटा के सेल के पास ही सेंटर में एक जगह होती है जिसको हम लीफ बेस बोलते हैं, जिसमें से छोटे स्मॉल यंग लीव्स जो कि कॉइल्ड फॉर्म में ओरिजिनेट होते हैं। तो बेसिकली ये राइजोम का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने रूट्स की बात की, हमने कहा कि क्योंकि ये सीडलेस फर्न जो है वो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, ये वजह है कि इनके जो रूट्स हैं ना वो प्रॉपर रेडिकल रेडिकल वाले पॉइंट से नहीं निकलते, वो एडवेंटिशियस होते हैं क्योंकि वो स्टेम जो है वो राइजोम में से ओरिजिनेट हो रही होती है। यहाँ से मैंने आपको दिखा भी दिया। पर हमने लीव की बात की तो हमने कहा इनके लीव सिंपल नहीं होते बल्कि कंपाउंड लीव्स होते हैं, दैट मीन्स कि ऐसे लीव जिनमें काफ़ी सारे लीफलेट्स भी मौजूद हों, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जी हमने इनकी साइज की बात की, फ्रॉन्ट और वो यंग वाला सक्सिनेट वाला पॉइंट दोबारा आ गया। उसके बाद हमने कहा जी स्पाइक है इनकी जो ऐसी ब्रांच जिसमें कोई लीफ या लीफलेट नहीं अटैच होता, और वो ब्रांच जिसमें अटैच होता है उसको हमने फिर बोल दिया था रेचिस। उसके बाद हमने कहा कि इसमें एक लीफलेट को पिना बोलते हैं या पाइना बोलते हैं, उसमें फिर अदर वो जो पाइना स्ट्रक्चर है उसमें अदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं स्मॉलर, उनको हम पाइन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और इस किस्म के जो है वो लीफ कंपाउंड लीफ जिसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद हो उसको हम बाई पिनेट बोलते हैं या बाई पाइनेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके देन, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।